वैदिक जीवन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदो धर्म वेद सब विद्याओं का पुस्तक वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है हमारा जितना उन्नत ज्ञान होगा जितनी हमारे अंदर विवेक वैराग्य की स्थिति होगी जितना हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा जितना मन पर नियंत्रण होगा जितना हमारे आहार विचार व्यवहार में नियंत्रण होगा उतना उतना हम उन्नति को प्राप्त होते जाएंगे हमारा जीवन उत्तमोत्तम उत्तरोत्तर बहुत ही श्रेष्ठतम बनता चला जाएगा बिना इस वेद के जान के इस कल्याणी वेदवाणी के जो उपदेश संदेश हमको उस परमात्मा के द्वारा दिए गए हैं इनके बिना कभी भी हमारा जीवन श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है इसलिए यह जो विधान जो परम पिता परमेश्वर का बनाया संविधान है विधि और निषेध है इसको हमको अपने स्वभाव में जरूर उतारना चाहिए इसी से मनुष्य मात्र का कल्याण है मानव जीवन बड़ा अनमोल है बार-बार मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग है। जो लोग इससे विमुख विमुख हैं, हैं, से वेद के प्रतिकूल विपरीत आचरण जो करते हैं वो इस संसार में सदा दुख भोगते हैं सदा उनको क्लेश मिलता है सदा वो समस्याओं से विकट संकट से घिरे रहते हैं परंतु जो व्यक्ति इस कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करते हैं जो इस के अनुसार जीवन को जीते हैं उनका जीवन दे दीप्यमान होता है उनका जीवन सुखमय शांतिमय आनंदमय बनता है तो हमारा भी यह उत्तरदायित्व तो है इस मानवीय जीवन को हम जैसा प्रभु का आदेश है वैसा हम जीने का प्रयत्न करें तो हम ऋग्वेद के आठवें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं आठवें मंडल में आज हम उनतालीसवें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे बहुत सुंदर सुंदर वेद मंत्र हैं जिसमें हमारे सभी प्रकार से हम कल्याण को प्राप्त हों इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की है प्रभु के स्तवन के द्वारा दिव्यता की प्राप्ति और दोष दहन का सबसे बड़ा उपाय है तो बहुत सुंदर वेद मंत्र है पहले ही मंत्र में कहा कि प्रभु स्तवन के द्वारा प्रभु का मेल होने पर दिव्यता प्राप्त होती है तथा ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान में सब काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि का दहन हो जाता है दूसरे मंत्र में कहा कि प्रभु का स्तवन हम करें जिससे हम शत्रुओं के बहकावे में या उनका जो प्रभाव हमारे ऊपर है वो नष्ट हो जाए हम यज्ञशील बन करके शत्रुओं को जो है परास्त करें हमारी शत्रुता ही दूर हो जाए ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की है और इसी प्रकार से तीसरे में कहा कि प्रभु प्राप्ति के लिए हम जान व स्तवन की ओर झुकते हैं प्रभु ही हमें सब सूर्य आदि देवों के विषय में जान देते हैं जान दे कर के प्रभु हमारा कल्याण करते हैं सदा कल्याणकारी हम बनते हैं और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी कहा कि प्रभु की उपासना हर प्रकार के अज्ञान मूल में जिनके ऐसी कामना के अनुसार जो है प्रभु उनके जीवन को दिव्य बना देता है उनकी अज्ञानता को नष्ट कर देता है शांति व निर्भयता से युक्त कर देता है दिव्य गुणों का स्थापन करता है काम क्रोध आदि से हमको रहित करता है तो इस प्रकार से यहाँ कहा है अब पांचवा मंत्र आपके समक्ष मैं लिखता हूँ फिर इसकी चर्चा करता हूँ ओम सहा चिकेट सह चिकेट सही या साग्निश्चित्रेण सही है, सागनिस चित्रेण सहीयसाग्नश्चिप्रेण कर्मणा स होता शश्वती नाम दक्षिणाभिरा अभीता दक्षिणा भिरा जीवृता धीव्रता इनोति च नोति प्रतिव्यम भंता मने के समय नभनताम्य के समय ऋग्वेद के आठवें मंडल के उनतालीसवें सूक्त का यह पांचवा मंत्र है ओम सहचिकेता सही यसाग्निश्चित्रेण कर्मणा सहोता शश्वती नाम दक्षिणा भिराभिवृता ओम सह चिकेता सहीश्चिण कर्मणा सहोता शस्वती दक्षिणाई नोति चा पृथ्ति नभंत मे सें बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है कहा कि सह वे अग्नि वे अग्नि वे प्रभो सही ऐसा शत्रुओं को अभिभूत करने वाले हैं सहमर्षणी उसको जो हमारा शत्रु है हमारा जो आकल्याण चाहता है हमको पतित करना चाहता है हमको हानि पहुंचाना चाहता है हमको अधोगति की ओर ले जाना चाहता है ऐसा शत्रु उस प्रभु के द्वारा अभिभूत हो जाता है उस परम पिता परमेश्वर के प्रति जब हम कृतज्ञ होते हैं भक्ति के साथ युक्ति के साथ उस की हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो हमारे अंदर का जो कुत्सित भाव है जो कुमार्ग की ओर प्रवृत्ति हमारी हो जाती है उस प्रवृत्ति को योगमय और भक्तिमय में, श्रद्धा में, अध्यात्म में बना करके सभी प्रकार के दुर्गुणों का नाश करती है चित्रेण कर्मणा अद्भुत कर्म से चिकेत जाने जाते हैं प्रभु अपने उपासकों के शत्रुओं का विनाश करते हैं सह वे प्रभु नाम होता अर्थात बहुत दिव्य भावनाओं के होता आहवाता पुकारने वाले हैं अर्थात प्रभु के अनुग्रह से स्तोता के जीवन में दिव्य भावनाओं का वर्धन होता है जो हमारे शास्त्रों में या हमारे ऋषि मुनि हमारे जो विद्वान धीर गंभीर विद्वानों का जो उपदेश होता है या बड़ों का संदेश होता है कि हमको थोड़ा समय निकाल करके ऐसे तो अपने कर्मों को करते करते भी ईश्वर का चिंतन करते जाएं तो पवित्र भावना रहेगी हमारे अंदर राग द्वेष ईर्षा छल कपट का भाव नहीं आएगा हम किसी भी कार्य को करते करते यह ईश्वर की व्यवस्था है कि हम उसका चिंतन कर सकते हैं ईश्वर प्रणिधान में रह सकते हैं और ईश्वर का नाम लेने से हमारे मन का जो मैल है जो हमारे मन में अनावश्यक विचार आते रहते हैं वो विचार दूर हो जाते हैं मन के विकार दूर हो जाते हैं इसलिए कहा है ऋषियों ने कि ईश्वर का चिंतन करते रहो जो भी काम करो अपने कर्मों का अनुष्ठान करते रहो और ईश्वर का चिंतन करते रहो जिससे आपको अत्यंत सरलता हो जाएगी इस संसार के व्यापार में अर्थात संसार का जो व्यापार है जो व्यवहार है इसमें हम कभी पतित नहीं होंगे कभी हम धराशायी नहीं होंगे कभी हम भूलेंगे नहीं भटकेंगे नहीं विषयों में अटकेंगे नहीं बस हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं ईशावास्यम इदम सर्वमच जगत सब जगह सब जगह विद्यमान है हम उसको ऐसा अनुभव करें वो हमको देख रहा है हमको सुन रहा है हमको जान रहा है और ऐसा जब भाव स्वभाव हमारा हो जाएगा तो हम कभी भी दुखी नहीं रहेंगे दिव्य भाव से युक्त हो जाएंगे और दिव्य भाव से युक्त होने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर की जो काम वासना है, हमारे अंदर का, जो लोभ का स्वभाव हो गया लोभ वृत्ति हो गई है या इस संसार के प्रति जो बहुत आकर्षण हमको अपनी ओर खींच रहा है हमको अपने इन इंद्रियों के स्वाद के चक्कर में या ये कहें कि हमको भोग वृत्ति के लिए जो बार बार खिंचाव आ रहा है वो नहीं आएगा वो ये शत्रु के समान कार्य करते हैं ये मीठा जहर है स्वीट पॉइजन है ये विषयों का पान करना बहुत सुंदर बात कही है मुक्तिम इच्छति चेतात विषयान विषव यदि आप मुक्त होना चाहते हैं मुक्ति चाहते हैं तो इन रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि का जो क्षणिक सुख है जो अपने मान का ज्यादा सुख किसी को अपने अभिमान अपने अहंकार में ही उसको सुख मिलता है तो ये विष के समान है इनको विषयान विश्व त्यज इनको विष के समान समझ करके इनको छोड़ देना चाहिए तब जाकर के मुक्ति होगी और जो मुक्त होना चाहते हैं अपने दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से उनके लिए ये परम आवश्यक है कि वो ईश्वर की भक्ति करें ईश्वर परिधान करें तस्वाचिका प्रणवा तद जपस्त तदर्थ भावना उसी की भावना में हम जो है खोए रहे भक्ति भावना हमारे अंदर बनी रहे वे प्रभु दक्षिणाभी दक्षिणाओं से अभिवृत अभिवृत हैं अर्थात सब देव पदार्थों को स्तोता को प्राप्त कराने के लिए सदा तत्पर रहते हैं उद्यत रहते हैं जो अभिवृत है, सब प्रकार से जो दक्षिण जो कुछ भी हमारे लिए कल्याणकारी है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव जो कुछ हमारे लिए जो गुणकर्म स्वभाव हमारी उन्नति के लिए हैं वो हमको प्राप्त कराते हैं और हमारे सभी दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहार हमारे जो अकल्याण के लिए हैं उनको दूर कर देते हैं उनका ऐसा सामर्थ्य उनकी ऐसी शक्ति है उस शक्ति का हम अनुभव करें भक्ति के साथ उसका चिंतन करें तो हमारे अंदर वो शक्ति स्वयं ही स्फुटित होने लगती है हम ऐसी शक्ति से युक्त तो हो जाते हैं ऐसी भक्ति से युक्त तो हो जाते हैं कि मुक्ति तो अपने आप मिलेगी हम अपने जीते जी मुक्त जो हो गया उसको वो मुक्ति मिलती है और जो जीते जी ही परेशान है निराश है हताश है संबंधों में या अपने कर्तव्यों में उलझा हुआ है सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा जो भटका हुआ है तुच्छ स्वार्थ में अटका हुआ है ऐसे व्यक्ति को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है, जो सारे संबंधों में इस सारे संसार के व्यापार में इस सारे संसार के नाटक में अपने आप को धीर गंभीर बना करके रखता है जो सब कुछ देखता हुआ भी इससे निर्लेप रहता है पद्म पत्रम इव अम्भसा जैसे कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन कीचड़ उसको छू भी नहीं सकता उसमें स्पर्श भी नहीं कर सकता उसमें दाग भी नहीं लगा सकता ऐसे ही इस संसार रूपी दलदल में जो कमल की समान खिलता है अपने जान से युक्त होता है अपने वैराग्य से युक्त होता है विवेक से युक्त होता है ईश्वर की भक्ति से युक्त होता है उसका सदा उत्थान ही उत्थान है कभी पतन नहीं है उसका संपूर्ण जो दुर्गुण है वो सब धुल जाता है इसलिए कहा है और उसको सब कुछ प्रभु देते हैं उसको कोई कमी नहीं रहती देयम सब कुछ जो देह पदार्थ है प्रभु स्तोता के लिए सब कुछ उसको उपलब्ध करा देता है जो अध्यात्म जीवन संतोष में जीवन जीता है वो आनंद अंदर से भी उसको सुख है बाहर से भी उसको सुख है वो कभी निराश नहीं होगा नहीं तो जो वासनाओं से ग्रसित हैं जो लोभ से लालच से ग्रसित हैं उनको सारे संसार का पदार्थ दे दिया जाए तो भी वो अंदर से दुखी रहेंगे अंदर से उनको अप्रसन्नता अंदर से असंतोष रहेगा लेकिन जो ईश्वर का भक्त है जो ईश्वर की भक्ति करता है उसकी उपासना करता है उसको चाहे राजा बना दे और वो चाहे रंक हो जाए चाहे वजीर हो जाए या फकीर हो जाए उसको सदा आनंद ही आनंद है कहीं उसको प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद ही आनंद है वह कभी भी निराश नहीं होगा चाहे लाखों मुसीबतें आए कभी घबराएगा नहीं महर्षि देव दयानंद जी से किसी ने पूछा कि जब ईश्वर कर्म का फल देता है तो जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा मिलेगा तो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करना भाई हम पाप नहीं करेंगे हम जो है किसी को सताएंगे नहीं हिंसा नहीं करेंगे हम दूसरों को पढ़ाएंगे दूसरों को धन देंगे सब करेंगे ईश्वर की भक्ति क्यों करना अच्छे अच्छे काम करते जाओ ईश्वर की भक्ति का को कोई जो है औचित्य नहीं क्योंकि जैसा जो करेगा वैसा फल उसको मिलेगा महर्षि देव दयानंद जी ने बहुत सुंदर बात कही कि ये बात बिल्कुल ठीक है जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा परंतु ईश्वर की भक्ति करने का लाभ क्या है तो लाभ ये है कि उसको विकट से विकट संकट पहाड़ जैसा दुख भी यदि उसके ऊपर आ जाए तो वो कभी विचलित नहीं होता है वो कभी घबराता नहीं है और जो ईश्वर का भक्त नहीं ईश्वर की भक्ति नहीं करता है वो छोटी छोटी समस्याओं में भी उलझ जाता है उनमें परेशान हो जाता है उसका मन डावाडोल हो जाता है स्थिति उसकी डावाडोल हो जाती है ये बात कही है और ये बात आगे कह रहे हैं कि प्रतिव्या प्रत्येतव्यम आक्रमण करने योग्य शत्रु को इनोति आक्रांत करते हैं उस पर आक्रमण के लिए जाते हैं प्रभु के अनुग्रह से समय सब अन्य के शत्रु नभनताम नष्ट हो जाएं। हमारे जीवन में हे प्रभो काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करके दिव्य भावों को प्राप्त कराइए हमारे लिए सब आवश्यक पदार्थों को देते हैं आप और हमारे शत्रुओं का नाश भी करते हैं हमारे अंदर के शत्रु बाहर के शत्रु सब प्रकार के जो भी शत्रु हैं उन सब का आप नाश करने वाले हैं प्रभो आप हमको सदा सर्वदा उन्नत जीवन जीने का जो सामर्थ्य वो दीजिए ताकि हम कभी भी जीवन में दुखी ना हो नेकी के साथ जीवन को जिए नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले यह तन तेरा तरवर है नेकी एक क्षीर सागर है इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले यह धन यौवन संसारी है बस दो दिन की फुलवारी है यह धन यौवन संसारी है बस दो दिन की फुलवारी है कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले तुझसे धन अंत छुटेगा जाने किस राह लुटेगा इस पर हित हेत लगा जा रे दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले जग सेवा है सुख देवा है कर दीन दुखी की सेवा यश पाना है पातले दुनिया से जाने वाले दुनिया से जाने वाले यह कंचन काया तेरी हो जाए राख की ढेरी यह कंचन काया तेरी हो जाए अंत राख की ढेरी इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले दुनिया से जाने वाले ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः